हेलो भाई, स्वागत है आपका वीलॉग्स में। महिंद्रा ने बोलेरो नियो को लॉन्च कर दिया है जो कि स्टैंडर्ड बोलेरो से बिल्कुल अलग है। असल में हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि BS6 नॉर्म्स आने के बाद महिंद्रा ने TUV300 को डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके बाद से ही नियो के लॉन्चिंग की खबर मार्केट में चल रही थी। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नियो जो है कुछ ना कुछ चेंजेस तो लेके आएगी, लेकिन इसका लॉन्च के बाद क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिज़ाइंस या फिर इसके कुछ फीचर्स जो हैं TUV300 से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, कौन से क्या प्राइस रेंज में आपको मिलती है, और यदि आप लेना चाह रहे हो इस गाड़ी को तो आपको कौन सा वेरिएंट इसका प्रेफर करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 1493 सीसी का MHOG डीजल इंजन मिल जाता है जो कि 100 BHP 260 NM टॉर्क जनरेट करता है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आपको मिलती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल नहीं है। 15 इंचेस के आपको इसमें टायर साइज मिल जाते हैं। यदि आप बेस वेरिएंट लें या टॉप एंड वेरिएंट लें, आपको 15 इंचेस के ही टायर इसमें मिलने वाले हैं। माइलेज इसका 17 km/L के अराउंड बताया जा रहा है। डायमेंशंस की बात करें तो सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये गाड़ी लॉन्च की गई है, जिसकी लेंथ 3995 mm है और 2680 mm का इसका व्हील बेस है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5+2 ऑप्शन में ये आपको मिलती है, यानी कि थर्ड रो में आपको दो सीट्स मिल जाती है। 384 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है यदि आप थर्ड रो सीट्स यूज़ नहीं करते हैं तो, और 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं, इसमें टोटल 4 वेरिएंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें कि N4, N8, N10 और टॉप एंड वेरिएंट N10 ऑप्शनल। हाल फिलहाल N10 ऑप्शनल को लॉन्च नहीं किया गया है, इसलिए इसका बेस वेरिएंट N4 और टॉप एंड वेरिएंट हाल फिलहाल के लिए N10 बना हुआ है। N4 की प्राइस की बात करें तो 8.48x शोरूम प्राइसेस में आपको मिल जाता है, वहीं N8 9.48 और N10 1,00,000 के शोरूम प्राइसेस में आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में कि आपको कौन से वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं ऐसे फीचर्स बता देता हूं जो कि आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, यानी कि हर वेरिएंट में ये फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें हो सकता है कुछ फीचर्स आपको देखने को ना मिले जो कि आप ब्रोशर वगैरह में देखें या फिर और कहीं देखें तो आप बोलें कि ये फीचर्स नहीं आपने बताए हैं। तो मैं वो फीचर्स ही फोकस कर रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या फिर आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो वो आपके गाड़ी बाइंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं, वही फीचर्स मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले जनरल फीचर्स में आपको फोल्डेबल थर्ड रो सीट, इको मोड, पावर स्टीयरिंग और टिल्ट स्टीयरिंग, पावर विंडो, फ्रंट एयर रेयर, सेंटर लॉक सिस्टम, पावर AC, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट वार्निंग, 2 एयरबैग्स, फ्रंट डिस्क एंड रेयर ड्रम ब्रेक, ABS विथ EBD, कॉर्नर ब्रेक्स कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर। टोटल 6 कलर ऑप्शन में ये गाड़ी आपको इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि नेपोली ब्लैक, मैजेस्टिक सिल्वर, हाईवे रेड, पर्ल व्हाइट, डायमंड व्हाइट और रॉकी बीज। आप देख सकते हो कि ये फीचर जो जनरल फीचर्स हैं ये बेस वेरिएंट के ही फीचर हैं, जिसमें कि आपको सेंट्रल लॉक तो मिल जाता है लेकिन कीलेस एंट्री नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं उस ऐसे फीचर्स की जो कि आपको बेस वेरिएंट के अलावा जो इसका सेकंड वेरिएंट है यानी कि N8 में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस मैसेजिंग सिस्टम, ड्यूअल टोन ORVM, व्हील कैप्स, स्पॉयलर, साइड फुट स्टेप, पियानो ब्लैक सेंट्रल कंसोल, एंटी ग्लेयर IRVM, फोल्डेबल सेकेंड रो, इम्पोर्टेंट है म्यूजिक प्लेयर विथ 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स, रिमोट की एंट्री, रियर वाइपर और रियर डिफॉगर और ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे फीचर्स आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आप N8 के अलावा N10 में ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें आपको स्पोर्टी स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प, फ्रंट फॉग लैम्प, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट यानी सेकेंड रो में आर्मरेस्ट, मिडिल रूफ लैम्प, टच स्क्रीन 7 inches का क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, मैजिक लैम्प, फॉलो मी होम हेडलैम्प और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट। तो आपने देख लिया कि इसके तीनों वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर्स डिफरेंस हमें मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप लेना चाह रहे हो तो आपको कौन सा वेरिएंट इसका प्रेफर करना चाहिए। तो यदि मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन में बताऊं तो आपको इसका N10 जो वेरिएंट है एटलीस्ट प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसी में आप मोस्ट ऑफ द फीचर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यदि आपका बजट
टाइट है तो आप इसका एटलीस्ट N8 वेरिएंट तो प्रीफर करिए ही, क्योंकि N4 वेरिएंट में बहुत कम फीचर आपको मिल रहे हैं, जिसमें यदि हाइलाइट्स की बात करें तो आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलता है। तो ये ऐसे फीचर्स हैं कि जो आप बाद में मिस करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर इसका लुक्स आपको कितना पसंद आया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।